सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो रहने वाले बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की, जो होता है ना बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अगर स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताऊँ ना क्या है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज अपने पास जो कार रहने वाली है स्विफ्ट। तो भाई स्विफ्ट में आज भैया ने बहुत ही मतलब अमेजिंग वर्क वो करवा रखा है। अपनी पूरी गाड़ी रैप हुई हुई है अपनी मैट ब्लैक कलर में, उसके ऊपर ग्राफिक्स हुए हैं, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हुए हैं, और साथ में भैया ने अलॉय डलवाए हुए हैं और काफ़ी कुछ। तो मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा नहीं और सीधा आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। या बाहर से पूरी गाड़ी के लुक चेकआउट कर लो, और पूरी गाड़ी पे साटन ब्लैक कलर की टेपिंग हुई है, साथ में ग्राफिक्स हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें ग्राफिक्स हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप लुक देखो पूरी, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक चीज़। और अलॉय व्हील्स देख लो, जो भाई 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, बट जो इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 8J के डले हुए हैं अपने, और एक बार आप स्टार्टिंग आगे से देखो, इसमें प्रोजेक्टर्स भी डले हुए हैं अपने पूरे DRLs के साथ साइड में, और नीचे भी फॉग लैंप्स में प्रोजेक्टर्स डले हुए हैं, साथ में HIDs हैं। एक बार आप पूरी लुक देखो गाड़ी की, कितनी बढ़िया लुक आ रही है कार की, और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। बैक साइड से अगर आप देखोगे तो जिसमें भी हमने पीछे टेल लाइट चेंज करवा रखी है, आफ्टर मार्केट टेल लाइट है। और एक बार आप लुक देखो दोबारा से, पीछे लाइट देखो, वही वाली लाइट देखो, और यहाँ से लुक देखो गाड़ी की, बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी। कैमरे से ज़्यादा करके जब रियल में देखोगे इस कार को, तो मतलब माइंड ब्लोइंग वर्ड होता है ना, उससे भी नेक्स्ट लेवल का है। मेरे उस वर्ड नहीं से बताने पे कि कितनी अच्छी लग रही है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगी। स्टार्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा स्पॉइलर डला हुआ है अपना, और आफ्टर मार्केट स्पॉइलर, और काफ़ी हैवी स्पॉइलर डला हुआ है, जिसकी लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है। और लुक एक स्पॉइलर देखो कितना सेक्सी है, और साथ में अगर देखोगे तो पीछे इसमें हमने एक लाइट डलवा रखी है, बहुत अच्छी लाइट है ये, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल की मुझे चीज़ लगी, और काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग लगी इस लाइट की, और लुक देखो कितनी अच्छी आ रही है। साथ ही साथ अगर आप पीछे देखोगे तो गाइस इसके अंदर हमने आफ्टर मार्केट हमने टेल लाइट डलवाई हुई है, जो स्मोकी ब्लैक वाली आती है, ये तो आपने काफ़ी कार में देखी होगी, बट आप देखो ये भी कितनी अच्छी लग रही है। साइड में अगर आप आओगे तो गाइस हमने इसमें एक्स्ट्रा एक तरह से बॉडी किट डलवा रखी है पूरी, जो अपने अलॉय व्हील्स के ऊपर पूरा कवर करते हैं। विड्थ देखो अलॉय व्हील्स की कितनी है, 8.5J है, 16 इंचेस की है, जो रबर साइज है वो है 205/55, और अपना ये R60। और लुक देख लो हमारी, जो इस कार की बाहर की लुक है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल की है। फ्रंट से एक बार आप लुक देखो, मैंने अपने पूरे आगे से प्रोजेक्टर्स और जो अपनी DRL से वो ऑन करवा रखी है, और एक बार आप लुक देखो। आप एक बार आपको पूरा इसका लाइटिंग प्रोसीजर दिखा देता हूँ। सो गाइस ये भी सिर्फ हमारे फॉग लैंप्स ऑन है, और जो ऊपर का गाइस श्राउड है जो अपने चारों रिंग्स जैसे भी ऑन है, जैसे मैं DRL सबको बता रहा था, और एक बार आप देख लो। और अब मैं आपको एक बार इसके दिखाता हूँ पूरी मेन लाइट। तो गाइस ये पूरी मेन लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, और ये हमारा लो बीम है। एक बार आपको मैं सामने प्रोजेक्शन दिखा देता हूँ, कितनी सही प्रोजेक्शन है, और बिल्कुल गार्ड पास से शूट कर रहा हूँ, बट फिर भी देखो रोशनी कितनी अच्छी आ रही है। और एक बार मैं आपको इसका हाई बीम दिखाता हूँ। तो गाइस ये इसका पूरा डिपर है, और मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ डिपर, तो आप रिस्पॉन्स देखो, और काफ़ी एक अच्छा इसमें काम हुआ है। तो गाइस आप रूफ भी देखोगे तो आप रूफ के अंदर भी पूरा प्रॉपरली इसमें हमने ग्राफिक्स करवा रखे, जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत ही समझदारी से, और बहुत ही अच्छी तरह जो फिनिशिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आई हुई है, और बहुत अच्छी तरह इसमें ग्राफिक्स हुए। साइड मिरर्स देखो आप, ये देखो। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस कार का वो है बाहर, आउटर जो लुक्स है गाइस वो नेक्स्ट लेवल के हैं, और इंटीरियर में भी हम चलेंगे, इंटीरियर में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो जो बाहर के लुक्स है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। जो आप ये कार देख रहे हो वो अपनी भाई ने, जो उसका नाम रख रखा है, वो रख रखा है ब्रूटस, और भाई ने इस पर स्टिकरिंग भी करवा रही है अलॉय व्हील पे, और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्टिकर्स तो अच्छे लगते ही हैं, बट भाई ने अपना कस्टमाइज़ करवा रखे हैं। तो ये तो बात हुई सारी एक्सटीरियर की, और अब चलते हैं इंटीरियर में। तो इंटीरियर में जल्द सबसे पहले आपको देखेगा जहाँ पे पूरा कार्बन फाइबर हुआ है, जैसे आपने मेरी कार में देखा होगा। आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख लेना। और अगर आप सेंटर में आओगे तो गाइस इसमें भी पूरा कार्बन फाइबर हुआ हुआ है, भैया ने पूरा इसमें कार्बन फाइबर वाला काम करवा रखा है, आप देख लो यहाँ पे भी। अपना जो गियर नॉब देखोगे भैया ने ये भी चेंज करवा रखी है, और पूरी बिल्कुल स्पोर्टी वाली गियर नॉब लगवा रखी है, ये भी काफ़ी एक अच्छी लग रही है। और अगर आप इस साइड देखोगे गाइस, इस साइड भी अपना पूरा कार्बन फाइबर वाला काम हुआ है अपना इस जगह पर। तो और नीचे अपनी जो लाइट्स हैं ये भी लटी हुई है, ये भैया ने बीच वाली इस लाइट्स के साथ ही करवा रखा है। अब यहाँ पे देखोगे गाइस इसके अंदर भी जो छोटे छोटे लेंस वाली लाइट होती है वो इसमें इंस्टॉल करवा रखी है। बीच में जो है ये भी पूरी अपनी इसमें वाइट लाइट डली हुई है। और एक बार आप पूरे अंदर से लुक चेक करो, अपना म्यूजिक सिस्टम देख लो, इसके अंदर पाइनर का म्यूजिक सिस्टम डाला हुआ है, हैवी म्यूजिक सिस्टम डाला हुआ है, कंपोनेंट्स डले हुए हैं बहुत ज़्यादा हैवी। एक बार आपको डिग्गी में दिखा देता हूँ, अपने DD के इसमें कंपोनेंट्स डले हुए हैं, और हर चीज़ इसमें काफ़ी कुछ DD का डला हुआ है। और एक बार मैं आपको इसकी पीछे से बूट दिखा देता हूँ। तो गाइस एक बार बूट देखो, और गाइस पूरा इसमें हमारा क्रॉसओवर डले हुए हैं DD के, अपने इसमें एम्प डला हुआ है, और गाइस पूरा इसमें पूरा सिस्टम डला हुआ है बढ़िया।
मैं आपको एक बार ऋषि भैया से मिलवा रहा हूँ जिनकी ये कार है। तो भैया इसमें एक बार म्यूजिक सिस्टम के बारे में गाइड कर दो, आपने इसके अंदर क्या क्या डलवा रखा है। भैया इसके अंदर ATPRS हेड यूनिट है और फ्रंट में लगे हुए हैं DDK BC 6.5 एंड रियर में लगा हुआ है CC 6.5 DD का सेटअप है पूरा गाड़ी का। मैंने भैया पीछे अपने व्यूअर्स को डिग्गी दिखाई थी तो उसके अंदर जो जो लगा हुआ है वो बता दो। DD के अपने क्रॉसओवर्स लगवा रखे हैं, DD के M1D मोनोब्लॉक है और C400 अपना 4 चैनल है। बेस्ट वगैरह आपने इसमें नहीं इंस्टॉल किया? इसके अंदर नहीं है, पहले तो हटा दिया। और भैया अपना मॉडल कौन सा है अपना पाइनर का? ATPRS और एक ऊपर लगा हुआ 19C। अच्छा तो मैं सुनाता हूँ आपको इसका म्यूजिक सिस्टम। तो गाइस साउंड बहुत ही ज्यादा क्लियर है, काफी क्लियर है, वोकल काफी अच्छा है और ट्यूटर्स वगैरह काफी अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और हमें बेस ट्यूब के इसके अंदर ज्यादा मुझे इसमें यूज लग नहीं रहा क्योंकि स्पीकर्स ही है काफी एक अच्छे हैं। इसके अंदर जो भी काम हुआ था मैंने सब आपके साथ शेयर किया था। जो एक चीज मैं आपको बोलूंगा इस गाड़ी के अंदर जो हमारे मिरर्स है टिंटेड है तो इसका भी एक लॉजिक है भैया, कार चलाते नहीं है, इनकी कार सिर्फ खड़ी रहती है ज़्यादातर, बहुत कम निकलती है। तो मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा भैया टिंटेड ग्लास मत करवाना। भैया ने लुक के लिए करवा रखे, भैया कह रहे हैं मुझे टिंटेड ग्लास में काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी, बट भैया गाइस टिंटेड ग्लास मत करवाना। लड़ा एक बार आप देख लो गाड़ी की दोबारा से लुक। सो गाइस आपने देख लिया होगा हमने गाड़ी के अंदर क्या क्या काम करवाया है और जो भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवा रखा था, जो भी ग्राफिक्स हो रखी थी गाइस बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ था इसके अंदर। और अब बात आती है हमने काम करवाया कहाँ से है। तो गाइस हमने ये काम करवाया अपना ऑटोबॉट्स इंडिया से, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ऑटोबॉट्स से जो है गुड़गांव में सेक्टर 45 में, वहाँ से इसके अंदर ये सारा काम हुआ। अगर आपको वहाँ पे उन्हें इंस्टाग्राम पे देखना है तो आप जाके लिख सकते हैं ऑटोबॉट्स इंडिया, आपको इंस्टाग्राम पे उनकी आ जाएगी और आपको दिख जाएगा उन्होंने और भी क्या क्या काम करे हुए हैं। और इसके अंदर गाइस जो भी ग्राफिक्स हुए हैं ये हुआ हुआ है अपना JS रैप से, वो भी ऑटोबॉट्स में मिलते हैं। अगर आप जाना चाहो तो वहाँ पे जाके आप भैया से मिल सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स भैया वहीं पर दे देंगे। तो गिफ्ट भी जो हमारे ऑटोबॉट्स के ओनर हैं उन्हीं की थी और भैया ने अपनी गाड़ी खुद इतनी अच्छी तरह कस्टमाइज़ करी हुई है और भैया के पास काफ़ी और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो उन्होंने कस्टमाइज़ करी है तो उसकी डिटेल्स आपको सारी कुछ इंस्टाग्राम पर ही मिल जाएगी। आज की वीडियो बस यहीं एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को टैग करना। प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं नई वीडियोस कब ला रहा हूँ और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है JJ ऑटोमोबाइल ब्लॉग, जो चैनल का नाम है वही है गाइस, तो वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू।